करता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ये संसार सागर एक मृत्युमय पथ। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझमें अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुरुष की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अधासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत होता है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं ही। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्धत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया कि रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है, इसीलिए मूर्ख, तू किसी स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों ना, वो अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फल स्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, इससे जो बालक हुआ वो अश्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था, इसी से उसका नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी के क्षत्रिहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी।
तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन लोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता, ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है, ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए हैं। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूं। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। जब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आज्ञामूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। दसवां अध्याय, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अशांश से चारों रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कोसल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का यह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उसकी डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके दो टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थीं। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर राज्य लक्ष्मी प्रेमी हितैषी मित्र और मोहल्लों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है।
वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पनखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला। और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारिच को उनकी पर्ण कुटी के पास भेजा। वो धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने वाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्रीराम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बालिका वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और कच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटे लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे, आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्वगुणी को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगढ़ की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहां मुझ पर एक पुल बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहां आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वो तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला। ये देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों,
पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध के लिए भेजा। राक्षसों की वो विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, वाण, भाले, खड़क आदि शस्त्र अस्त्र से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जांबवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और वाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिनका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वो क्रोध से भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे वाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनी और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वो फल दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूं। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ वाण उस पर छोड़ा। उस वाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वो अपने दसों मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदनंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के वाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गईं। एक दिन वो था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वो दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और ये प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश में हो गए और ये नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों में हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा ये सारी लंका नगरी विधवा हो गई है। आपका वो शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गिद्धों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। ये सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोसलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। इसके बाद श्री सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई
लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं ही विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालक गण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को ये मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पुरवासी मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वारंगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए, वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने अपनी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा से बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कोसल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिला कर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली। विभीषण के श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा तथा हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुधन जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग और जांबवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं, वंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा का उदय हो रहा। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्या पुरी में प्रवेश किया। उस समय वो पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौसल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं और पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी थी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधिपूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं
और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग हो। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन चुके थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं था। यहां तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजश्रियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती थी। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम का चित्त चुराती रहती थी। 11वां अध्याय, भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अर्धवायु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बची रही थी वो उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निस्पृह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभो, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की ये बात सुनी। वो अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराए घर में रहकर आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगे। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ दो पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने अपने जातक कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इसी समय भरत जी के भी दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल।
तथा शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। ये समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण होया करते थे। परीक्षित, ये स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। ये बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर गृहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंड कवन से कांटों में बिछ गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही ये लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? ये सब उनकी लीला ही है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उनकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उनका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। उन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया। वे सब के सब तथा कोसल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां बड़े बड़े योगी योग साधक के द्वारा जाने जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त भी हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निजजनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकड़ों से सींचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो ये नगरी अपने स्वामी भगवान श्रीराम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल फाटक सभा भवन बिहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वो डंठल समेत सुपारी केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधन वारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वाराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से
कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे से बनी हुई थीं। उनमें जो खंभे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं। रंग बिरंगी मालाओं पताकाओं मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती सुंदर सुंदर भोग सामग्री सुगंधित धूप दीप तथा फूलों से वे महलों को खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते थे वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। 12वां अध्याय, इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। ये सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खड़ग, खगड़ से एक सेकंड पीछे कर लेना जरा, नाभ की उत्पत्ति हुई। ये जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कोसल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वो योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरषण का जन्म हुआ। अमरषण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रढ़, बृहद्रढ़ का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहद्वश्व, बृहद्वश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बरह, बरह से कृतंजय, कृतंजय से रणजय और उससे संजय होगा, संजय का शाक्य और उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगड़, लांगल का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र क्षुद्रक होगा, क्षुद्रक से रड़क, रड़क से सुरत और सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का ये वंश सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में ये वंश समाप्त हो जाएगा। 13वां अध्याय, राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को
ऋत्विज के रूप में वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा नेमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने उसे शाप दे दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि के दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविधा में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही है। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूट ही जाएगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें, पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का वृहद्रथ, वृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड, देवमीड से विश्रुति और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हुआ हर्स्वरोमा। इसी हर्स्वरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शिर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी उत्पन्न हुई। इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज, कृतध्वज के केशध्वज और मितध्वज के खांडिक के हुए। परीक्षित, केशध्वज आत्मविधा में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्म कांड का मर्मज्ञ। वो केशध्वज से भयभीत होकर भाग निकला। केशध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न।
शतधुम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से उर्ध्वकेतु, उर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न यागवल्यक आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। 14वां अध्याय, चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विधा गुरु अंगिराजी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवताओं और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर ये युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में ये तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है, देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि ये उन्हें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि ये तुम्हारा नहीं, मेरा। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि ये किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर ना दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं, तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, इसी का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं।
एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वे देवांगना पुरुरवा के साथ चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। ये सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वो उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कहा, राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है, अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगा। परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है, मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के दो बच्चे सौंपती हूं, आप इनकी रक्षा करें। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने कहा, ठीक है, ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा ये सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, ये तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहां आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी काम शाक्स्रोत पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगे। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख से सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे ये स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बें बें सुनी, तब वो कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। ये नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, ये मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चे को लूट कर लिए जा रहे हैं, मैं तो मर गई। देखो तो सही, ये दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन वाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उसकी ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वो उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा, तो वे अनमने से हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उद्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी पांच प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बात तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा,
इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है, अतः मेरा यह शरीर, मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। गुरुवशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति एक वर्ष बाद तुम एक रात मेरे साथ रहोगे, अब तुम्हारे और भी संतान होंगे। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती हैं, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। एक वर्ष बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक पुत्र की माता बन चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातः काल जब वे विदा होने लगे, तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने को पात्र दिया। राजा ने समझा ये उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ, तब वे इस थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वो अग्नि स्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे दो अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों का मंथन किया। तीनों मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवताओं को त्रयी विधा के द्वारा आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्ययुग में एकमात्र प्रणव ओमकार ही वेद था। वे सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी तीन नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। 15वां अध्याय, ऋक्षिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जवन। ये जवन वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पूर, पूर का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाम। इसमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋक्षिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी।
गाधिनी ये समझकर कि ये कन्या की योग्य वर नहीं है, ऋक्षिक से कहा, मुनिवर हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1,000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋक्षिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े लेकर आए और उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर दिया। एक बार महर्षि ऋक्षिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋक्षिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले। सत्यवती की माँ ने ये समझ कर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वो चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वो स्वयं खा गई। जब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋक्षिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका, जमदग्नि ने उसका पाणिग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हय हय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रिय के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित उन दिनों हय हय वंश का अधिपति था अर्जुन, वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। उनसे 1,000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके ये वरदान प्राप्त कर लिया था। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया था। वो योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वो संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। दैववश वो जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी।
उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ है हयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर है हयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन कर ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां बां डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले आए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सींग हाथी पर टूट पड़े। सहस्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, वाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही देखते उसने गदा, खड़क, वाण, रिष्टि, शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी, बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कटकट कर पृथ्वी पर गिरते जा रहे थे। हयहयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुज, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और वाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर रहे हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वो स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर वार चढ़ाए, परशुराम जी के ऊपर छोड़ दिया। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए वाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वो बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। वो महिष्मति में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था और अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थी वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य के प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। 16वां अध्याय, परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की। इसके बाद वे एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका
गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पति देव के हवन का समय हो गया इस बात को वो भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया ये जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वो आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदयों का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भागे थे उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। ये अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन मन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। इसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका का बड़ी दीनता से उनसे जरा पीछे जाना था। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गईं। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगीं। परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाराम ये क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए। परीक्षित, उस समय परशुराम को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध असहिष्णुता मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार करने का निश्चय कर डाला। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मति नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिता का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अधवर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दिए। इस प्रकार अग्नि कोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दे दी। कश्यप जी को मध्यभूमि दी। उपदृष्टा को
आर्यावर्त दिया और दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में सातवें ऋषि हुए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भानजे शुनःशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनःशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा दिया था। देवताओं के यज्ञ में यह शुनःशेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दे दिया गया था। अतः देवय रात इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधिवंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें शुनःशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा शुनःशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इस आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवरात शुनःशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र हुए। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उनका प्रवर ही दूसरा हो गया। 17वां अध्याय, शत्रुवृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र हुआ था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, शत्रुवृद्ध, रज, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। अब शत्रुवृद्ध का वंश सुनो। शत्रुवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शूनक। इसी शूनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी, यही आयुर्वेद के प्रवर्तक है। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ।
भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धुमान, जिसका एक नाम प्रतदर्न भी था। यही धुमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज, कोलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। धुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्म केतु और धर्म केतु का सत्य केतु, सत्य केतु से धृष्ट केतु, धृष्ट केतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रम्भ के पुत्र का नाम था रभस। उसमें गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद और त्रिकुद का धर्मसारथ। धर्मसारथ के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृत थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भार भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी नहीं बचा। शतवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन, हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जय से नामक पुत्र हुआ। जय सिंह का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। शत्रुवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो।